आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं लीड इंडिया टीवी से साहिल श्रीवास्तव। आज हम आपको अपनी पुरानी दो महीने पहले जिस भगोड़े, जिस धर्मगुरु इमाम रियाज बंदरकर की हमने कहानी चलाई थी, जो हिंदुस्तान से 200 करोड़ रुपए लेके फरार हो गया था, दुबई में बैठ के उसने वो जाल बुना और जिनसे भी पैसे लिए उसने गुमराह करने के लिए उनको तरह तरह के वीडियो बना के भेजता रहा। अभी नई प्रकरण में उसने धमकियां देना शुरू कर दिया है। और आइए हम इसी रियाज बंदरकर, जो धर्मगुरु इमाम हैं, अपने आप को इमाम कहते हैं, वैसे तो इनकी कहानी हमने पहले एपिसोड में बताई थी कि साइकिल पर लुंगी बेचने वाला आदमी आज फ्लाइट पकड़ के कैसे दुबई भाग गया है, उसी की कहानी आज सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार जी हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। हम उन्हीं से सुनते हैं कि रियाज बंदरकर की क्या नई रणनीति है, क्या प्रशासन उसे दुबई से मुंबई ला पाएगा, क्या वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काटेगा, या जिन लोगों से उसने पैसा लिया है उनका पैसा क्या वो चुका पाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार जी से। तो के कुमार जी, आपको आपका लीड इंडिया टीवी के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भगोड़े मौलाना रियाज बंदरकर को ये सूचना देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि तू चाहे जहाँ भी भाग ले, यहाँ की कानून तुझे यहाँ पकड़ के लाएगी और तेरा जगह है सलाखों के पीछे। तुमने हजारों इमोशनल आदमी को, जो धर्म पे भरोसा करने वाले, तुम्हारे जैसे फ्रॉड मौलाना के ऊपर भरोसा करने वाले लोगों ने, जिसको तुमने धार्मिक इमोशनल से ब्लैकमेल किया, जिनको तुमने पैसे, जिनके पैसे लूट लिए, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके गहने भी तुम लोगों ने मुथूट फिनांस में रखवा दिया, किसी की शादी नहीं हुई, किसी के बेटे की पढ़ाई रुक गई, किसी का ज़मीन भी बंधक रख गया, किसी का ज़मीन बिक रहा है, और इस समय में तुमने यहाँ से, इंडिया से उनका भरोसा छोड़ के भाग गया। और जो लोग उनसे मिलने जाते हैं, ये बता दूं मैं आपको, ये ऐसा अय्याश व्यक्ति है, मुझे अपने सोर्सों से पता चला है कि ये दुबई में दिन रात अय्याशी कर रहा है। ये शायद दूसरी शादी करने के भी चक्कर में लगा हुआ है, ताकि वहाँ उसके वहाँ सिटीजनशिप मिले उसको और मिल करके वो वही सेटल हो जाए। अच्छा, ये दुबई में जी, किसी लड़की से शादी करके ऐसा चलने, ऐसा चूंकि इसके पास अथाह पैसा है, जो आप लोगों से लूटा है, यहाँ के लोगों से जो लूटा है वो पैसा वहाँ लेके गया हुआ है वो। और जो लोग यहाँ से बेचारे जा रहे हैं मिलने के लिए किसी तरह से, वहाँ पर वो अपना एक भेष बदल करके इमोशनल टॉक करता है और लोगों को वहाँ से धमकी भरा मैसेज भेज रहा है कि जिन लोगों ने भी पुलिस में गया मेरे खिलाफ, जो लोगों ने भी चेक डाला, वो पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाएगी। आज तक पुलिस ने कुछ किसी को पैसा दिलाया पाया नहीं है। अगर तुमने भी कोई केस किया तो सिर्फ पुलिस स्टेशन का ही चक्कर लगाते जाओ। मतलब इंडिया के कानून को वो चैलेंज दे रहा है, चैलेंज दे रहा है। हाँ, कि, और मैं फिर आपके माध्यम से इन जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस भगोड़े ऐसे लोगों को के ऊपर आप अगर कानून में नहीं जाते, केस नहीं करते, FIR दर्ज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं से आप भी उनकी मदद कर रहे हैं और आप तो डूबेंगे ही, साथ साथ दूसरे लोग भी डूबेंगे। कभी भी आपका पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप समय रहते केस नहीं करेंगे। और मैं आपको अपने माध्यम से बता दूं कि उन्होंने जब हम लोगों ने पहला न्यूज़ बनाया था तो उनके समर्थक लोग बहुत धमकी दे रहे थे कि मौलाना आएगा हमारे ऊपर केस करेगा, मौलाना तू कब आएगा और मेरे ऊपर कब केस करेगा, और वो मैं देखना चाहता हूँ। अभी लोगों को वो बोला है 15 अगस्त को आएंगे, पहले बोला था ईद में आएंगे, ईद निकल गए, बकरा ईद निकल गया, 15 अगस्त में पता नहीं कहाँ झंडा फहराएगा, शायद जेल में झंडा फहराने का योग बन गया उसको। अब ये देखिए, ये हम लोगों ने उनके खिलाफ एक सम्मन निकाला है बेलापुर कोर्ट से। यस, अगर इस सम्मन में भी वो 8 तारीख का सम्मन है नहीं हाजिर होंगे तो उनके लिए वारंट निकलेगा और रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाऊंगा। चाहे वो भारत का भगोड़ा अपराधी किसी भी देश में रहे, उसे इंडिया में आना पड़ेगा और जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा। अब रही बात, यहाँ पर उनके कुछ हैंडलर हैं, जो हैंडलर उनकी मदद कर रहे हैं, उसमें एक नाम है वसीम तांडेल, जिसको उन्होंने अपना गिफ्ट किया है, फॉर्चुनर गाड़ी गिफ्ट किया है कि ये गाड़ी में तू घूम और मेरे जितने पैसे हैं, मेरे जितनी प्रॉपर्टी है वो सेटल्ड करके मेरे पास पैसा भेजो। दूसरा है एक रमीज गल्टे करके, ये मुरुड का रहने वाला है, ये भी उसके लिए पैसा कलेक्शन करना, अभी नई गाड़ी खरीदा है, इनके सारे पैसे कलेक्शन, इनके जितने भी अवैध प्रॉपर्टी थे, बेनामी प्रॉपर्टी है, इनको ये लोग सेल कर रहे हैं, सेल करके वो पैसा फिर वहाँ भेज रहे हैं। तो ऐसे उनके सहयोगियों से भी आप सावधान रहिए,
और जहां मिले उनको भी एफआईआर में एक्यूज बनवाइए। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको उनके धमकी भरे वॉइसेस सुनने हैं, उनके वीडियो भी सुनने हैं जो हम लोग इसमें दिखाएंगे। और आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे फॉक्सी जो ऐसा धोखेबाज धर्मगुरु जिसने पैसे से ज़्यादा इसने अगर आघात पहुंचाई है तो लोगों के धार्मिक भावनाओं से खेला है, ये लोग भरोसा करना छोड़ देंगे ऐसे मौलानाओं पे, जबकि बहुत अच्छे अच्छे मौलाना भी है। ये उन मौलाना लोगों के लिए भी चैलेंज है कि मौलाना लोग क्यों मुंह बंद करके रखे हैं, इनके खिलाफ मौलानाओं को भी आना चाहिए जो मौलानाओं का नाम खराब कर रहे हैं। ऐसे भगोड़े अपराधी ये किसी कीमत पर धर्मगुरु बनने के काबिल नहीं, धर्मगुरु तो छोड़ दीजिए, इसको गटर साफ करने लायक भी आदमी नहीं है। और फिर मैं बोलता हूँ कि तू चाहे जहाँ भाग ले, इसे यहाँ आना पड़ेगा और ये तेरे लिए ये जगह जेल में होगी। और 15 अगस्त को आ रहा है तो बहुत अच्छा है कि जेल में तुझे झंडा फहराने का मौका मिलेगा। अच्छा दोस्तों, जैसे कि कई सूत्र, जैसे इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि जो उसके हैंडलर हैं उसको फॉर्च्यूनर कार मिल गई है तो वो क्यों आपका साथ देगा। जैसे एक हैंडलर का इन्होंने नाम बताया, वो इनकी ज़मीनें बेचता और दुबई पैसे भेजता है। तो मैं आप सभी से इस चैनल के माध्यम से, जो रियाज बंदरकर को अपना पैसा इन्वेस्टमेंट दिया है, जो गहने दिए हैं, आप दबाव बनाइए कि उनसे आप वापस ले, आप पुलिस में जाके कंप्लेन कीजिए। और वैसे अगर आप कंप्लेन नहीं करते हैं तो सीसीएफ की तरफ से 8 तारीख को उसको सम्मन दुबई मिल जाएगा, और वो नहीं आता है तो यहाँ से रेड कॉर्नर पुलिस उसे उठा के लाएगी। लीड इंडिया टीवी। नहीं सर, इसमें एक चीज़ और बोलना। हाँ जी बताइए। कि जैसे ये इनको बताया ना कि इनके हैंडलर हैं, ऐसे कमोबेश वो सारे लोग हैंडलर के रूप में आ जाते हैं जो अभी तक अपना पैसा इन्वेस्ट किया और केस करने नहीं गए, मुकदमा करने नहीं गए। उसमें दो बातें हो सकती, हो सकता है उन्होंने भी कोई गलत पैसे लाया हो और मौलाना को दे दिए हो, अब दबी जुबान में वो बेचारे बोल नहीं पा रहे। लेकिन जिनका खून पसीने की कमाई है, जिन्होंने अपना गहना बंधक रखा, अपना जमीन बंधक रखा, वो चुप क्यों बैठे हैं? वो अब भी भरोसा कर रहे हैं कि मौलाना आएगा, जबकि मौलाना कभी नहीं आएगा। मौलाना रंगरेलियों में डूबा हुआ है, अपनी नई घर बसाने के चक्कर में लगा। तो हो सकता है कि उन्हें डर हो कि जाएंगे तो शायद उनकी हत्या हो जाए या उनको पुलिस फंसा दे, कुछ तो प्लान होगा। फंसाएगी पुलिस, तुम सबका पैसा वापस करने का अगर दावा करते हो तो आ जाओ वापस करो। वो धमकी तो इसी तरीके भेज रहा है ना, वो धमकी भेज रहा है इसीलिए कि उनको पैसा वापस नहीं करना है लोगों का। अच्छा, अब तो लोगों का आंख खुलना चाहिए कि अब समय रहते केस करो, और नहीं करने से तुम भी उनकी मदद कर रहे हो। जी अच्छा, कुछ एविडेंस आए हुए हैं, इस वीडियो को हम लंबा यही समापन करेंगे। तो इसमें कुछ एविडेंस है, कुछ वीडियो हैं, कुछ धमकी भरी आवाज़ें हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको अपने स्क्रीन पे अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ हम आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों से निकलिए, इसलिए निकलिए कि ऐसे धार्मिक गुरु जो धर्म की आड़ में आस्था के नाम पर आपकी आत्मा को और आपके संस्कार को और आपकी भावनाओं को लूट रहे हैं, अगर ये जेल के सलाखों के पीछे नहीं गए तो आज जितने भी इमाम हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, वो भी इसी कटघरे में आके खड़े होंगे। तो मैं धर्मगुरुओं से, इमामों से और मौलानाओं से निवेदन करूंगा कि आप इसके खिलाफ़ में एकजुट होइए, जिससे कि समाज को एक नई दिशा दे सके और सत्य को सामने ला सके। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और सीसीएफ के अध्यक्ष राज के कुमार जी हमारे स्टूडियो में आए, आपने इसका खुलासा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इतने लोग परेशान है ना, इतने लोग परेशान है ना मौलाना के, जिसके हाथ में सच में बोलो, इतने लोग परेशान है ना, इतने लोग परेशान है ना मौलाना के, जिसके हाथ में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह। भाइयों दोस्तों, अभी जिस हालात से हम गुजर रहे हैं मुझे उसका एहसास है, हम सब परेशान हैं। अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखो इंशाल्लाह। सिर्फ एक या डेढ़ महीने की बात है, कैसा भी करके गुजारो, सब्र करो, दुआ करो, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। मैं भी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ।
और हमको उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। न डरो और न किसी को डराओ, न ऐसा कुछ न करो कि जिससे मैं तकलीफ़ में आऊँ। अगर मैं तकलीफ़ में आ जाऊँगा तो हम सब की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, फिर कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए ये गलती नहीं करें, किसी को मौका मत दो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो, अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है और उम्मीद रखो, बहुत सब्र किए, थोड़ा और सब्र करो, अल्लाह ने चाहे तो 20-25 दिन में भी हो जाए सब, बस दुआओं की ज़रूरत है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ऐसा कोई काम, ऐसी कोई हरकत ना करो जिससे मैं भी तकलीफ़ में आऊँ और आप सब लोग तकलीफ़ में आए। बस दुआ करो, सब अच्छा होगा और अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह, उम्मीद रखो। ठीक है, तो कोई इन सब लोगों की मैं कॉल नहीं उठा सकता, कॉल इतने आ रहे कि मैं किसका उठाऊँ, किसको बोलूँ, किस किस को क्या जवाब दूँ। इसलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये सब दुआ की ज़रूरत है, अल्लाह अच्छा करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद रखो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आपने पहचाने होंगे, मौलाना बोलता हूँ। आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ है। देखो भाइयों, आप जानते हैं इतने सालों से अपना एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ। हम सब ने मिलकर कारोबार शुरू किए, आज तक अपने को मिलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई न जाने किसकी नज़र लगी, किसकी हरकतें थी, ठीक है वल्लाह आलम। लेकिन आप लोगों से मैं बहुत आजीज़ से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ कि भाग के आया नहीं हूँ, मैं आप ही के काम के लिए आया हूँ। आपकी अमानत है, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, आप उम्मीद रखो इसका आपको नामुल बदल अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल ये भी महसूस कर रहा हूँ कि आप एकदम बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं भी यहाँ बहुत कठोर मेहनत कर रहा हूँ और ये आप ही के लिए कर रहा हूँ ताकि आपकी अमानत आपको अच्छी तरह से मिले। फिर भी लोग हालात को या हालात का फ़ायदा उठाते हुए क्या कर रहे हैं, कुछ शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हाल ही में अभी सुनने में आऊँगा कि मुरूट के कुछ लोग, नादगाँव के कुछ लोग आपको बहकाएंगे कि बाबा देखो अभी अभी वो आपको अगर पैसे चाहिए तो देखो आपको केस करना अच्छा रहेगा, केस करो तो पैसे मिलेंगे। वो देखो समीर की बहन ने लफड़ा की केस की तो मौलाना ने 5 लाख रुपए दिए। 5 रुपए नहीं दिया हूँ मैंने, क्या बोल रहा हूँ, 5 रुपए नहीं दिया हूँ। कोई भी हो, कोई भी रुस्तुम हो, केस करोगे तुम अपनी सज़ा खुद भुगते रहेंगे, यानी केस करेंगे तो पुलिस स्टेशन से पैसे लो या कोर्ट से पैसे लो, आपको हाँ मिलेंगे, वकील आएगा हमारा, आपका वकील आएगा, तारीख पे तारीख चलती रहेंगी। आपके नसीब में जब वो पैसे होंगे कि 5-5 हज़ार से मिलते कि 2-2 हज़ार से, वो लो फिर। तो अल्लाह के वास्ते मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ कि हरकत करो मत और किसी के नांदी लगो मत, ऐसे ही बोलता हूँ सादे सीधे अल्फाज में ताकि समझ में आए। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बाद लोग कहते हैं उनके बच्चों को उठाएंगे, बाद लोग कहते हैं उनका मर्डर करेंगे, कौन बोलता है वो यहाँ भागेंगे। अरे मेरे को भागने का रहता, भागाने का रहता तो मेरी फैमिली उम्रा को आई थी उसी वक्त मैं किधर भी भागता था, मैं आज आपसे पास बातें क्यों करता था, सिम निकाल फेरते किसी भी कंट्री में निकल जाता था। हाँ अभी फिर जब क्या नसीब रहता था देखता था, लेकिन मैं ईमान है, मेरे अंदर ईमान है, मैं एक अमानतदार हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आपकी अमानत है मेरे पास, उसको अमानत समझता हूँ मैं, उसमें खयानत कभी नहीं होगी। उम्मीद रखो अल्लाह ताला हम सब का अच्छा ही करेगा और बहुत अच्छा करेगा, याद रखो, खाली उम्मीद रखो, थोड़ा सब्र करो, बहुत किए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तारीख क्यों दे रहा हूँ कि मुझको उम्मीद मिलती इसलिए मैं तुमको उम्मीद देता हूँ, मुझे कोई तारीख मिलती इसलिए मैं तुमको तारीख देता हूँ, लेकिन उस तारीख में बोलते हैं ना एक मेल नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, आपको शायद आने के बाद बिल्कुल गुस्सा भी आता होगा, परेशानी बढ़ती होगी, एक उम्मीद जागती है फिर नाउम्मीदी में तब्दील होती होता ही है। देखो इसी को हलाल शक्ल कहते हैं, उतार चढ़ाव आगे पीछे नफा नुकसान होते रहता है, इसको हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा बाबा अल्लाह के वास्ते। तो बहुत बर्दाश्त किए, बहुत अनकरीब है यहाँ उसी काम से, मैं कितनी यहाँ रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, मेरे यहाँ जो साथ उठते बैठते लोग उनको मालूम है कैसे कैसे पेपरों की ज़रूरत पड़ रही, कैसे कैसे हाँ लोगों से मिलने की ज़रूरत पड़ रही, हर तरह से मैं वो करके जिस तरह से जो उम्मीद
अने जिस तरह से जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है मैं उसको कैसे न कैसे खड़ा कर रहा हूँ और पेश कर रहा हूँ और पूरा कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में इंशाल्लाह सब यहाँ अकाउंट वगैरह खुल जाएंगे तो इंशाल्लाह पैसे आना भी शुरू हो जाएंगे। जब पैसे हमारे इसमें आना शुरू है तो आपके इसे भेजना आसानी हो जाएगा। तो बिल्कुल वाइट है, सब कुछ नहीं, इनलीगल नहीं, सब लीगल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए बहुत सब करीब आया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ किसी के बहकावे में किसी के बातों में ऐसी कोई हरकत मत करो। अगर आप मेरे फैमिली को तकलीफ देंगे, हमारे बच्चों को तकलीफ देंगे, हम का हंगामे करेंगे और फिर जाके तुम केस करेंगे, यकीन करो हम भी केस करेंगे। केस ही करते रहेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर आपको लगता ही है तो मैं अभी आता हूँ चार दिन में, सीधा पुलिस स्टेशन में खुद को जमा करता हूँ। खलास कानिश खलास, जाओ जितने जाओ उतने कैसे करो। मेरे घर वाले भी सुकून से रहेंगे, आप भी सुकून से रहेंगे, सबले अपने दोनों के वकील कोर्ट में तारीख लेते रहेंगे। और क्या करूँ फिर, इसे मजबूर और परेशान मत करो। मैं यहाँ ऑलरेडी परेशान हूँ, फिर घर की वजह से और परेशान हो जाऊँ तो फिर ये ना आपके लिए अच्छा ना मेरे लिए अच्छा है। इसमें आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, अब किसी के बहका में किसी के बातों में मत आओ, सब अच्छा होगा। अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखो, हालात आते हैं बदलने के लिए, समझे, मौसम बदलेगा ज़रूर, याद रखो मौसम बदलेगा। बहुत अच्छी अच्छी इंशाल्लाह मैं खबर आपको सुनाऊंगा, बहुत जल्दी सुनाऊंगा, ईद के पहले या ईद के बाद। इस पहले इसलिए कि जुमा तक यहाँ काम चालू है, ईद के बाद फिर यहाँ 5-6 दिन छुट्टी आए, इसलिए ये जो 8-10 दिन है हमारे लिए बहुत अहम है। हम सबसे गुजारिश करता हूँ, आशरा भी बहुत अहम है, आप भी रोज़ेदार होंगे, मैं भी रोज़े में हूँ और खूब दुआएं भी कर रहा हूँ, अल्लाह को राज़ी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह काम बने तो हम सबका अच्छा हो जाएंगे, हम सबका अच्छा हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, दुआ की दरख्वास्त। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें, लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.